तरीके से हम लोग के बीच में उनके फैमिली के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग एक मिनट का मौन रखें और अगर इसराइल का फ्लैग उनके सभी साथी और इस दौड़ में सहभागी होने वाले भारत की एकता के लिए दौड़ने वाले आप सभी साथियों, दो दिन बाद राष्ट्रीय एकता दिवस है और आज बहुत उत्साह से, बहुत शान शौकत से निलोत्पल जी और उनकी संगठना ने ये सारा आयोजन किया है। जब हम दौड़ते हैं तब दौड़ के साथ में कौन है, उसकी भाषा क्या है, उसका प्रदेश क्या है, उसका मजहब क्या है, क्योंकि हम अपनी भारत माता के गौरव के लिए दौड़ रहे हैं की बहुत जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया है, तो आइए हम दौड़ते दौड़ते भारत माता की पूजा करें और फिर एक बार भारत माता की जय का आवाज बुलंद करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद सर। एंटी टेररिज्म के लिए सबको एक शपथ दिलाएं और उसके बाद अपनी बात रखें। भिट्टा साहब को हर कोई जानता होगा, इन्होंने अपने जीवन में 15-16 बार आतंकवादी हमला झेला है और उसके बावजूद सर हमलों के बीच में, इसलिए उनको जिंदा शहीद बोला जाता है। मैं चाहता हूं आप सारे लोग एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आतंकवाद के खिलाफ सबको शपथ दिलाएं और फिर अपनी बातें रखें। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा मेरे सारे दिव्यांग साथियों के लिए, आप लोगों को जानकर सर खुशी होगी कि जो भी पैरा एशिया गेम हुआ है उसमें हमारे दिव्यांग साथियों ने 111 मेडल जीता है। उन सारे दिव्यांग साथियों के लिए एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम दिव्यांग किसी से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। थोड़ी देर के बाद दिव्यांग की रेस होगी, मैं चाहूंगा कि आप सारे फिट लोग उन दिव्यांग का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ थोड़े दूर चले, उनकी रेस आधे घंटे के बाद स्टार्ट होगी। मैं चाहूंगा जिंदा शहीद MS भिट्टा सर पहले आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाए फिर अपनी बातें रखें। भारत माता की आजादी की रक्षा करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। वंदे वंदे भारत माता की। आज मैं निरपन और आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं, दिल्ली के भाइयों बहनों और अपने साथियों, और सब आपकी हिम्मत है, आपका सहयोग है और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री